और आप देश हित में आज की पांच बड़ी स्टोरीज और उनसे जुड़े पांच बड़े सवाल। उपचुनाव के जो नतीजे हैं उसमें आप देखिए, चार लोकसभा सीटों में एक, 11 विधानसभा सीटों में एक पर बीजेपी जीती है। विपक्ष का कहना है कि ये मोदी सरकार की नीतियों की हार, बीजेपी की बांटने वाली राजनीति की हार। विपक्ष इस जीत पर फूले नहीं समा रहा, मगर बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हार से सबक लिया है और 2019 में जीतेंगे, ये बात है। देश हित में हमारा सवाल ये है कि क्या कैराना ने साबित कर दिया है कि पीएम मोदी जनता के मन की बात नहीं समझ पाए। आज देश हित में पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाली पश्चिम बंगाल से आई तस्वीर पर बात करना बहुत जरूरी। ममता राज में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर उसकी लाश को पेड़ से लटका दिया गया। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के संरक्षण में ये मर्डर हो रहे हैं। ऐसे में अवन सा अहम सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दुश्मनी के चलते लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सवाल तो देश की अदालतों में 3 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस को लेकर भी है, लेकिन इन 3 करोड़ मुकदमों से आधे तो केंद्र और राज्य सरकारों से जुड़े हुए हैं। यानी आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी मुकदमेबाज सरकार। देश में बड़ा सवाल बनता है। सवाल ये है कि अदालतों से मुकदमों की भीड़ खत्म कर आम आदमी को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का सिस्टम कब बना पाएंगे। दुनिया के सबसे पुराने मार्शल आर्ट्स के मंदिर शाओलिन टेम्पल में इन दिनों बदलाव की बयार बह रही है। यहाँ योद्धा अमेरिकी और जापानी रेस्लर्स के साथ नए स्टाइल में कुश्ती लड़े। और इसीलिए देश हित में सवाल है, क्या संस्कृति और परंपराओं के विस्तार के लिए बदलाव जरूरी है। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क कहते हैं कि उनकी कंपनी टेस्ला नियम कानूनों की सख्ती के चलते भारत से दूर है। टेस्ला ने तकनीकी प्रयोग के मामले में कई नए तजुर्बे किए। अंतरिक्ष में छलांग लगाने से लेकर टेस्ला ऑटोमेटिक कार बनाने तक कई नए प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन भारत इन तकनीकी छलांगों से दूर है। ऐसे में देश हित में हमारा सवाल ये है कि क्या न्यू इंडिया के सपनों को अभी भी ब्रेक लगा रही है लाल फीताशाही।